अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा थिएटर कुमार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आएंगे। कहकशां लाइबा से कहती है, तुम वकास के प्यार में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें उसके शादी करने के बाद ये नजर नहीं आ रहा कि उसकी माँ तुम्हारे साथ क्या करेगी। वो एक डाइन औरत है और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तुम जहेज में कुछ भी नहीं लेके जाओगी तो वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगी। जवाब में लाइबा कहती है, वकास की सोच बदल चुकी है, उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए सवाए मेरे। जब मैं आपको इस बात का यकीन दिला चुकी हूँ कि मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाह रही हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगी, तो आपको किस बात की परेशानी है। जवाब में कहकशां कहती है, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ देखा है, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। काश मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ सकती और तुम्हारा अंजाम देख सकती, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के फैसले नहीं लेने दे सकती। जाने आप देखें नासिर अपनी बीवी शको से कहता है, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, इसीलिए तुम्हें बहुत जल्दी थी घर को अपने नाम करवाने के लिए, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। बाप में नासिर की बीवी कहती है, मुझे तुम पर तरस भी आ रहा था और मैं तुम्हारे साथ खड़े भी रहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा लैपटॉप खोल के देखा तो मुझे तुम्हारी वजूद से जो है गिन आने लग गई है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर थे। तुम मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करते आए हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसी का ये सब।